जिंदगी हादसों से भरी होती है। कुछ हादसे भुला दिए जाते हैं और कुछ नासूर बनकर जिंदगी भर हमारा पीछा करते हैं। इन्हीं हादसों से जन्म लेती है डर की कई कहानियां, और ऐसी ही एक कहानी थी एग्नेस नाम की एक लड़की की। पंचकनी के सेंट जॉन स्कूल में एग्नेस का नया नया एडमिशन हुआ था। हमेशा गुमसुम रहने वाली एग्नेस की खामोशी धीरे धीरे बोलने लगी। उसे खुद ये नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। दिया एंड मिंटी, यू ऑल नो ना अबाउट दैट टॉयलेट? एनी, तू 666 वाला बोल रहे है ना? हाँ, प्लीज यार, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। या उसमें टीना का घोस्ट है ना? हाँ। टीना वही है ना जिसने लास्ट ईयर उसी टॉयलेट में सुसाइड किया था? हाँ वही। पता है जो भी लड़की उस टॉयलेट में जाती है ना उसे वो दिखती है, एंड देन उसकी सोल उस लड़की को हॉन्ट कर करके उसे पागल कर देती है। आई विल नेवर गो देयर। मी टू। बहुत डर लगता है वहाँ पे। हाँ यार। टीना का घोस्ट है ना? उस एग्नेस को उसी टॉयलेट के क्यूबिकल में लॉक कर दिया। मेन एंट्रेंस भी बंद कर दी मैंने। लिसन,
अभी उसकी चीख की आवाज सुनाई देगी। मैंने दोनों खुद बंद किए थे यार। Okay, girls. Day to check your nails and uniform. Start with you. Good. Very nice. Not clean. Not clean. Like this? Show me your nails. What's wrong with you, Agnes? Look at your nails, you keep biting them. Silence. And look at your hair so shabby. Your uniform so untidy. And ye kya? Hamesha neeche dekhti rehti ho. Come up. Look at me. Look up. Tum sabko morning mein enough time milta hai taiyar hone ko. Achhi tarike se taiyar hoke aane ka. Tum sabere uthkar nahati bhi ho ki nahi? Quiet. Agnes, you love Jesus, right? तो फिर अपने आप से क्यों नहीं प्यार करती? Agnes, I'm talking to you. What are you looking out there? Agnes, I'm talking to you. Look at me. पंचकनी में इस तरह की सेस्मिक एक्टिविटी तो होती ही रहती है, सो आई थॉट मे बी इट्स द अर्थक्वेक। बट देन जब मैंने अपने साथ वाली टीचर से कहा तो शी सेड नो, और बाकी सब बच्चों ने भी कहा कि उन्होंने अर्थक्वेक को फील नहीं किया। इट वॉज वेरी स्ट्रेंज। तो ऐसा करते हो जैसे तुमसे इंटेलिजेंट और बेटर कोई है ही नहीं।
एंड देन लुक एट यू, एक बेगर की तरह लगते हो। और ये क्या, कोई न्यू फ्यूचरिस्टिक हेयरस्टाइल है क्या? आई थिंक ही इज अ वन्नाबी फैशन डिजाइनर। डिजाइनर को पहले मॉडल होना चाहिए, एंड शी इज लाइक अ वियर्डो मॉडल। चलो फैशन शो करते हैं। ये हे गर्ल्स स्टैंड अप, दोनों बाजू से खड़े हो जाओ। चलो गर्ल्स अपने अपने मार्क्स पे आ जाओ। हमारे बोर्डिंग स्कूल की टॉप मॉडल एग्नेस विलियम आज रैंक वॉक करेगी। कम ऑन बेब, टाइम टू वॉक। चलना नाटक मत कर, चल वरना टांग तोड़ दूंगी। What's happening here? Arrange the tables now. And Agnes, you come with me. खेल खेल में शुरू हुई बोर्डिंग की उन लड़कियों की छेड़खानियां एग्नेस को अपना शिकार बना रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो सब खतरनाक रूप लेने लगी। पर एग्नेस तब भी खामोश थी, पर जब उसको अपना ही रूप दिखाई देने लगा तो वो डरने लगी। पर सवाल ये था कि एग्नेस अपने आप को देखकर क्यों डरती थी, क्यों अपना ही चेहरा सहमा देता था एग्नेस को? क्या यही थी उसकी चुप्पी की वजह? This is Agnes. Agnes? This is Shilpa. Hi, Agnes. Agnes? Shake hands, my child. Shake hands. एग्नेस, एग्नेस, तुम टेंशन मत लो, अब मैं हूं ना तुम्हारी फ्रेंड। फ्रेंड नहीं, तुम तो मुझे बहन ही बुला सकती हो। मैं तुम्हारी बहन हूँ। सच्ची में एग्नेस, तुम मुझे कुछ भी शेयर कर सकती हो? कुछ भी, जैसे कि क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है या तुम किसी की प्रॉब्लम हो, एंड ऑल दैट। चलो अभी तुम सो जाओ। ओके, सो जाओ। शिल्पा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। Nobody could understand कि suddenly शिल्पा की तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एग्नेस इसके बारे में जरूर जानती थी। एग्नेस, डोंट कीप मम माई चाइल्ड।
इस तरह चुप मत बैठो एग्नेस। टेल मी, क्या हुआ था शिल्पा को? आंसर मी एग्नेस। आई डोंट नो मैम। तुम्हें क्या हुआ है एग्नेस? व्हाई आर यू लाइक दिस? किसी से बात भी नहीं करते तुम? क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? एग्नेस, तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रही हूं? Oh my God, look at this child. Agnes! You may go now, Agnes. गर्ल, कोई प्रॉब्लम है इसके साथ? यस सिस्टर, कुछ बहुत ही स्ट्रेंज है इसके साथ। मुझे लगता है इस पर किसी का साया है। आई कैन फील दैट सम डार्क एनर्जी इसके आसपास है। अनदेखी ताकत जो किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान के पास जाने नहीं देती। वो जो मूवी ना, धीरे बोल, पकड़वाना है क्या? आई होप ऑडियंस हो गई होगी। कार्तिक जी स्टार्ट रनिंग। हाँ, कोई हमारी कंप्लेन ना कर दे। किसकी इतनी हिम्मत? व्हाट वाज दैट? इसको आज छोड़ेंगे नहीं। ए, तुम वहां पे क्या कर रहे? अरे अभी तो यही थी, कहां गायब हो गई? समझती क्या है अपने आपको? तू हमें डराएगी? बाद में देखेंगे इसे।
दिया, क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे सब लोग? दिया, व्हाट हैपेंड? अरे स्पीक अप। मुझे बुरा सपना आया था। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो सब लोग अपने अपनी जगह पे सो जाओ। मैं आगे इसको छोड़ने वाली नहीं। आज रात को जैसे बहुत चालाक इस तरह की हरकतें करके सबको डरा रही। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो हमसे डरने लगे। मैंने उसके बाल काटे तो कितना रोई वो। उसकी हालत देखकर लगा कि कभी उसका हार्ट फेल ना हो जाए। ये रुको, मुझे बाथरूम जाना है। और यू गाइस वेट अप, ओके? पर जल्दी आना, हमें वापस आके सोने की एक्टिंग करनी है। मैं आती हूँ, ओके? तो कोई नहीं है, तू सच कह रही है ना? हाँ, वही थी, उसने मेरा गला दबाया। कुछ नहीं, तू चल।
सारे सवालों के जवाब अभी देने बाकी थे। दुनिया की नजर में एग्नेस ने उन दो लड़कियों को अपने रास्ते से हटा दिया था जो दिन रात उसे परेशान करते थे। पर सच्चाई तो यही थी कि एग्नेस ने उन्हें नहीं मारा था। एग्नेस कैसे किसी को मार सकती थी, वो तो एक मासूम लड़की थी। तो सवाल ये था कि क्या एग्नेस का रूप लेकर किसी पैरानॉर्मल फोर्स ने इस काम को अंजाम दिया था। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर इस पैरानॉर्मल फोर्स ने उन दोनों को मारा तो फिर एग्नेस उस फोर्स से डरती क्यों थी। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो पैरानॉर्मल फोर्स आखिर एग्नेस से क्या चाहती थी। Please open the door. Agnes, दरवाजा खोलो बाहर आ जाओ. Agnes, आप लोग सोचते हो ये सब मैंने किया है? आप लोग कुछ नहीं जानते. Agnes, Agnes, open the door. Open the door. No, my child will help you. Agnes, please let us know what's happening with you. Agnes, focus, my child. तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है हमें बताओ. हम तुम्हारी मदद करेंगे. हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, my child. Please. Agnes, मुझे दरवाजा तोड़ना पड़ेगा. अगर ऐसा कुछ किया तो मैं खुद को मार डालूंगी. कोई अंदर नहीं आएगा. प्लीज डोंट डू दिस एग्नेस, फॉर क्राइस्ट सेक डोंट डू दिस. एग्नेस प्लीज माय चाइल्ड, ओपन द डोर. एग्नेस प्लीज फॉर गॉड्स सेक ओपन द डोर. Break the door open now. Why me? I don't want to live like this. मैं नहीं जीना चाहती. मैं अपने आप को मार डालूंगी. मार डालूंगी मैं अपने आप को. This. I know it's not you who is doing all this, but she is just trying to protect you. It's not your fault.
child. Don't do this. Agnes, please अपने आप को संभालो. मैं तो जीना ही नहीं चाहती. पर तू मैं उसी दिन गई थी जिस दिन मेरी प्यारी बहन मरिया ने उस गाड़ी के सामने मेरी जगह ले ली. ये सब मारिया ही कर रही थी एग्नेस ने. प्लीज संभालो अपने आप. वो भैया मेरे साथ हमेशा मेरी ख्याल रखने की कोशिश में. डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा. क्या ठीक हो जाएगा? पिछले 4 महीनों से कुछ ठीक नहीं हुआ है. I miss her so much. Agnes, please, ऐसा कुछ मत करना, प्लीज.
एग्नेस की खामोशी पूरी तरह टूट चुकी थी। एग्नेस को दिखाई देने वाली हमशक्ल कोई और नहीं बल्कि उसकी ही जुड़वा बहन मारिया थी। दरअसल मारिया मरने के बाद भी एग्नेस का साया बनकर उसके साथ रहती थी। ये वो रिश्ता था जो सिर्फ दो हमशक्लों का नहीं था बल्कि दो समान रूपी आत्माओं का था। शायद तभी मारिया ने एग्नेस को हर हालत में बचाया और शायद तभी एग्नेस भी मारिया की हर गलती को छुपाती रही। उन दोनों का यह अनोखा रिश्ता जीवन से परे मौत के बाद भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहा था क्योंकि उनके बीच एक अनदेखा संबंध था।